देखिए, किसी भी विषय को वैज्ञानिक रूप से पढ़ने के लिए उसको एक तरीके से पढ़ा जाता है। इतिहास विज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन इतिहास को पढ़ने का एक तरीका है। इसको तीन हिस्से में बांटा गया है। इतिहास को, भारत के इतिहास को तीन हिस्से में बांटा गया है। आप आज की तारीख डालें और आगे लिखना शुरू करें। भारत के इतिहास को तीन हिस्सों में बांटा गया है। प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। ठीक है, लिख लिया ना। प्राचीन काल, इसको बाद में लिख लेंगे। जो कुछ भी हमारे पास इतिहास को जानने का साधन है, क्या क्या साधन है? लिखा हुआ, लिखा हुआ बहुत कम है हमारे पास, लेकिन जो कुछ भी लिखा हुआ है और खुदाई करते हैं उसमें मकान मिलते हैं, शहर मिलते हैं, गलियां मिलती हैं, स्तूप मिलते हैं, चैत्य मिलते हैं, बाजार मिलते हैं, जब खुदाई करते हैं तो पूरी की पूरी एक सभ्यता जमीन के अंदर दफन होती है। और जैसे कपड़े की सिलाई कश्मीर में की जाती है सुई से, वैसे जमीन को सुई से खोदा जाता है, इतनी महीन, क्योंकि खुदाई करने से कहीं किसी का कोई पात्र मिल गया, शरीर का कोई हिस्सा मिल गया, कोई बर्तन मिल गया, कोई सोने चांदी की चीजें मिल गई, तो बहुत धीरे धीरे उसकी सफाई की जाती है। 800 ईस्वी तक का जो भी सामान है, जो भी नगर हैं, जो भी राजा महाराजा हैं, 800 ईस्वी तक की जो भी पढ़ाई है वो सब के सब प्राचीन इतिहास में आती है। प्राचीन मतलब क्या हो, जैसे कि हम बोलते हैं कि अभी वो तो बच्चा है, तो बच्चा है का मतलब क्या है? हम समझते हैं कि अभी वो 15-16 साल का होगा, वो जवान है, तो हम समझते हैं जवान कहने का मतलब है कि अभी वो 30-35 साल से ज़्यादा नहीं होगा, 40 से ज़्यादा जवान नहीं होता है। लोग कहेंगे अभी वो बूढ़ा नहीं है, लेकिन मजे की उम्र का है, मजे की उम्र मतलब 50 तक के आसपास होगा। ये जो हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, किसी को इतिहास में पूछा जाए कि प्राचीन काल क्या है, मध्यकाल क्या है, आधुनिक काल क्या है, तो भारतवर्ष का जो आज का समय चल रहा है, हमारे यहाँ 2021 जो चल रहा है, यहाँ तक 2021 तक आते आते बीच में जो भी समय आया, अभी मान लिया आप 2021 में हैं, ये 2021 आधुनिक है, और 800 के पहले तक, 800 के पहले तक वो आता है प्राचीन इतिहास, और 800 से लेकर के 1200 तक आता है मध्यकाल, और 12 के बाद से शुरू होता है आधुनिक। 1200 से शुरू होता है मध्यकाल, और जब अंग्रेजों का आगमन हो जाता है तब उसको बोलते हैं आधुनिक काल। कुछ बात समझ में आई, थोड़ी सी साफ हुई? ये जो इतना लंबा इतिहास है कैसे पढ़ेंगे? तो पढ़ाने वालों ने कहा इसको थोड़ा टुकड़े टुकड़े में बांट दो, कुछ को प्राचीन इतिहास कह दो, कुछ को मध्य इतिहास कह दो, कुछ को आधुनिक काल कह दो।
तो आधुनिक काल कैसे कहोगे, मध्यकाल कैसे कहोगे, प्राचीन काल कैसे कहोगे, हमें हमें कहाँ पहुँचना है उसे बताऊँ। मेरा जो लक्ष्य है वो है मध्यकाल में कबीर साहब तक पहुँचना, वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ तक पहुँचेंगे तब हमें थोड़ा सा साफ होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस समय। इतिहास बहुत गजब का विषय है। ये है राजा और ये है प्रजा। ये राजा है, ये जमीन में प्रजा है, बेस जो इतिहास लिखा गया वो इनका लिखा गया, और ये आज है नहीं, और जो ये है इनका कोई इतिहास नहीं। राजाओं ने कभी सोचा था कि एक दिन हम नहीं होंगे, लेकिन आज आज दुनिया में राजा कहीं नहीं है, और उस समय प्रजा थी, वही प्रजा का हिस्सा आज भी है, लेकिन इनका कहीं कोई इतिहास नहीं मिलता है। तो हम क्यों पढ़ें इतिहास? जो महलों में रहने वाले लोग हैं वो पढ़ें इतिहास, उनका इतिहास है, उनके बाप दादाओं का है, जो प्रजा है उसका तो कुछ है नहीं। इतिहास पढ़ने की खूबसूरती यह है कि आप राजाओं से शुरू करते हैं और एक दिन प्रजा तक पहुंच जाते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि अमुक राजा ने आक्रमण किया, अमुक राजा के अमुक बेटे थे, अमुक पत्नियां थीं, एक दिन कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, एक दिन सिर्फ इस प्रजा को पढ़ा जाएगा। 1947 के बाद से सिर्फ प्रजा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अगर अवसर रहेगा तो। कितना युग परिवर्तन हुआ, प्राचीन में कुछ और पढ़ा गया, मध्य में कैसे बदला, आधुनिक काल में कैसे बदला। क्या लिखा है, ये क्या है? बीसी का मतलब ईसा पूर्व। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बीसी को? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर माने पहले, क्राइस्ट माने ईसा मसीह। ईसा पूर्व 800 से 1200 ईस्वी तक, इसको हम प्राचीन में रख लेंगे। कैसे? 800 के पहले क्या था? 800 के पहले जो था उसको उन्होंने प्राग इतिहास कहा है। प्राग इतिहास, प्राग माने पहले, इतिहास के पहले का समय प्राग इतिहास काल कहा जाता है। लेकिन ये सब कुछ भी बहुत अर्थ नहीं रखता है। इसको लिख लें जो लिखा हुआ है, बताएं 800 से 1200 मध्य 1200 तक।
ये 800 ईसा पूर्व है, 800 ईसा पूर्व से चलेगा प्राचीन इतिहास और यहाँ तक आएगा, और इसके बाद से 1200 से शुरू होकर के 1600 ईस्वी तक ये आया मध्यकाल। एडी एडी समझा रहता है ईस्वी ईस्वी, ये एक्चुअली एडी जो है आफ्टर डेथ, ए मतलब आफ्टर और डी मतलब डेथ, ईस्वी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी मतलब आफ्टर डेथ, ईसा मसीह की बात का 1200 से 1600 तक मध्यकाल है और आधुनिक सोलह सौ से वर्तमान। इसको लिख लिए हैं प्राचीन काल 800 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, मध्यकाल 1200 ईस्वी से 1600 ईस्वी या एडी ईस्वी लिख लीजिए आप, ईस्वी 1200 ईस्वी से 1600 ईस्वी, और आधुनिक काल 1600 ईस्वी से वर्तमान। क्या नाम लिखा है ऊपर किधर सा जेस्मिल, इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। जेस्मिल एक अंग्रेज इतिहासकार था, इन्होंने भारत के इतिहास को तीन हिस्सों में बांटने का काम किया था जेस्मिल ने, हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में। इसको लिख लें, ये नाम महत्वपूर्ण है, जे एस मिल एक अंग्रेज इतिहासकार थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास को
तीन कालों में विभाजित किया था। ये जो हमने अभी लिखा प्राचीन मध्य आधुनिक, इस ये जो बांटा गया था, ये बांटने का मिल ने किया था, एक आदमी ने किया था और बाकी लोगों ने उसको स्वीकार किया। अब देखें जिस चीज पे थोड़ा लिख लें, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, ये दो महानगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जैसे आज के समय में भारतवर्ष में चार प्रमुख महानगर हुआ करते थे, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, वैसे ही अपने जमाने में एक ये नगर हुआ करता था हड़प्पा और दूसरा ये नगर है मोहनजोदड़ो, ये महानगर होते थे। इनके बारे में लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता, इनकी जो लिपि है, लिपि माने लिखने का ढंग, जैसे हम ये लिख रहे हैं, इनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए क्या लिखते हैं कुछ पता नहीं है। बस इनके नगरों की जब खुदाई की जाती है तो नगर एकदम डेवलप्ड नगर, जैसे आजकल के महानगर होते हैं, वैसे मिले हैं। जैसे आप किसी गरीब का मकान देख करके जान जाएंगे कि गरीब आदमी का है, कैसे, उसकी झोपड़ी होगी, सामान बहुत कम होगा, जो शरीर होंगे लोगों के वो भी हल्के फुल्के दुबले पतले होंगे, आप जान जाते हैं। वैसे ही नगरों की खुदाई की गई तो नगर खोदने वाले आश्चर्यचकित रह गए कि भारत में इतनी समृद्ध सभ्यता थी और उसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये जो कल पढ़ा गया था सिंधु नदी, सिकंदर आया था, सिंधु क्रॉस किया था, वेदों में सिंधु की बड़ी चर्चा है, इसको सिंधवा सिंधवा कहा गया है, नदी समुंदर जैसी नदी। ये जो हड़प्पा है, ये जो नगर है, ये जो दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित हुए थे। जैसे जैसे नदी बहती थी इसके दोनों तरफ नगरीय सभ्यता विकसित हुई थी, इनका व्यापार चलता था, स्कूल कॉलेज होते थे, राजा होता था सब। लेकिन कैसा दुर्भाग्य, इनकी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। और ऐसा कहते हैं, जैसे हमारा शरीर है, शरीर में हमारे कार्बन एक तत्व होता है, कार्बन क्या होता है,
कपड़ा है इसको जला दें, जला देने के बाद जो काला काला बचेगा, जो राख बचेगी, उसे कार्बन कहते हैं। ये शरीर खड़ा है और मान लो भी मर जाए और किसी अनजान जगह पर हो, किसी को पता ना हो कि कितनी उम्र का था ये आदमी, शरीर का टेस्ट करेंगे, एग्जैक्ट तारीख बता देंगे कि शरीर की उम्र इतनी थी। कार्बन की एक क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है कार्बन की, उस कार्बन कार्बन डेटिंग विधि कहा जाता है उसको, कार्बन डेटिंग टेक्निक, उससे पता कर लेते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है। पेड़ है, कार्बन डेटिंग से पता कर लेते हैं कि पेड़ कितना पुराना है, बिल्डिंग कितनी पुरानी है, एकदम वैज्ञानिक है। तो जब पता किया गया, ये मालूम हुआ कि ये जो सभ्यता है ये 2000 ईसा पूर्व तक खत्म हो चुकी थी। कारण कारण कुछ नहीं पता, लेकिन जो वहां चीजें हैं उनकी उम्र नापी गई तो यह अंदाज चल रहा है कि ईसा से 2000 वर्ष पहले की हैं ये। लेकिन चीजें हैं, व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन इनकी लिपि जिसमें लिखते थे उसके बारे में उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्या लिखा है ये नहीं पता है। जब अंग्रेज इस देश में थे तो उन्होंने सी खुदाई करवाई, सब कुछ करवाया, अब ये हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, ये हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, भारत के प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि सिंधु नदी वहीं पर है, इसलिए अब इस पर पाकिस्तान का अधिकार है। वहां के लोग क्या कर रहे हैं, चाहे लड़ने में बिजी हैं, वो कश्मीर के लिए परेशान है, दूसरी चीजों के लिए परेशान है, अफगानिस्तान में परेशान है, ये काम उनके एकदम ठप सा पड़ा हुआ है। लेकिन जब ये सभ्यता विकसित हुई थी तो ये भारतीय सभ्यता मानी गई है। पहले ये सभ्यता विकसित हुई सिंधु, एक नदी, और दूसरी नदी सरस्वती। सिंधु नदी और सरस्वती नदी के तट पर हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई थी। क्या इसको लिखेंगे आप, ऊपर डालें टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता यह सभ्यता ईसा से 2000 वर्ष पूर्व लुप्त हो चुकी थी। यह सभ्यता ईसा से 2000 वर्ष पूर्व लुप्त हो चुकी थी। यह सिंधु नदी तथा सरस्वती नदी यह सभ्यता 2000 ईसा पूर्व लुप्त हो चुकी थी। लुप्त यह सभ्यता 2000 तथा सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी।
यह पूरी तरीके से, अगली पंक्ति, यह पूरी तरह से नगरीय सभ्यता, यह पूरी तरह से नगरीय सभ्यता वाली थी। तथा यह व्यापार आधारित थी। तथा व्यापार व्यापार आधारित थी। मतलब इस सभ्यता का व्यापार अन्य सभ्यताओं से था, क्योंकि ये नदी। अब देखिए बात क्या है, पहले के जमाने में जो भी सभ्यताएं विकसित हुई वो सभी के सभी नदियों के किनारे विकसित होती थी। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए पानी सबसे अनिवार्य शर्त है। जहां पानी नहीं होगा वहां कोई सभ्यता विकसित नहीं होगी। तो नदियों के किनारे लोगों ने अपना डेरा डाला और नदियों से व्यापार किया, समुद्री व्यापार जिसे कहते हैं। तो ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, यह सिंधु की घाटी पर, सिंधु की तलहटी पर विकसित हुई थी। इतिहासकार कहते हैं जैसे जैसे सिंधु अपना रास्ता बदलती चली गई तो वो नगर जो कभी इसके तट पर आबाद हुए थे वो उजाड़ होते गए। पहला कारण ये बताते हैं, नदी जब अपना, नदियां अपना मार्ग बदलती हैं। इलाहाबाद में आपने जमुना देखा है, जमुना पर जो किला है अकबर का बनवाया हुआ है, वो किला और जमुना जी का पानी दोनों हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। और 500 साल पहले जब किले का निर्माण हुआ था तो अबुल फजल ने लिखा है कि गंगा जमुना से 500 मीटर की दूरी पर जमुना बहती है। 500 मीटर की दूरी से जमुना बहती है, वह खाई का काम करती है। आज के समय में वो जमुना धीरे से उधर की बजाय तट पर आकर के लग गई है और किले को छूती हुए बहती है। नदियां अपना मार्ग बदलती हैं। सिंधु घाटी और सरस्वती घाट, सरस्वती नदी अब लुप्त हो गई है, कहीं नहीं मिलती है, इसका नाम मिलता है बस। तो ये अनुमान करते हैं कि सरस्वती घाटी हो, सिंधु तो अभी भी है लेकिन सरस्वती नहीं है। ये जो सभ्यताएं हैं जो नदियों के किनारे विकसित हुई थी, जब नदियों ने अपना रास्ता बदला तो ये सभ्यताएं उजड़ गई, यही लोग छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। इस सभ्यता की महत्ता यह है कि इसमें नगर थे, गांव देहात नहीं, एकदम शहर, पक्की सड़कें, चौरास्ते, नदियों के किनारे नालियां, नालियां पक्की, वो पत्थरों से छाई हुई पूरी व्यवस्था जैसे कि आजकल के शहरों में होती है। लेकिन ये सब मिलता है जब खुदाई करते हैं तो ये सब मिला है। ये जब मिला है तब उन्होंने जाना कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन
इनकी भाषा लिपि हम नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए इनके बारे में कुछ जानकारी दी। और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है गुजरात तक है। इस सभ्यता की चीजें मिलती हैं, कैसे मानते हैं, एक चीज यहां मिली, कुछ सिक्के, सिंधु घाटी के सिक्के, लोथल, कालीबंगा और गुजरात के अन्य जगहों तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि इनका व्यापार था, जो व्यापार गुजरात तक जाता था, चलता था, इनके सिक्के चलते थे। तो ये सब चीजें खुदाई करने पर आज ही मिल जाती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जो सबसे बड़ी कमी है, वो ये है कि इनकी लिपि नहीं पढ़ी जा सकती है। हम जिस कई लिपियां हैं जिनको हम नहीं पढ़ पाए हैं, क्या लिखा है, खरोष्ठी, खर माने गधा, ओठ गधे के ओठ, एक लिपि है उसको खरोष्ठी लिपि कहते हैं। उसके अक्षर ऐसे बने होते हैं जैसे गधे के ओठ हों, उसको खरोष्ठी लिपि कहा जाता है। उसको पढ़ नहीं पाए हैं। कई ऐसी लिपियां हैं जिनको हम नहीं पढ़ पाए हैं। हम कौन सी लिपि पढ़ पाए हैं, और जो हमारी लिपि है वो है ये। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी से देवनागरी निकलती है, और वो देवनागरी जिसमें हम बोलते हैं, जो ब्राह्मी लिपि जो पुराना ऋग्वेद है वो इसी लिपि में है, और इसी लिपि से देवनागरी लिपि निकली है। कुछ लिखवाना है, कुछ लिखे हो, क्या लिपि, हाँ लिपि क्या अंतर है सर, आप बता दीजिए। लिपि और भाषा में अंतर है, देखें लिपि और भाषा में अंतर है। क्योंकि नेपाली भाषा है लेकिन लिपि नागरी लिपि है, मराठी एक भाषा है लिपि नागरी लिपि है, संस्कृत भाषा है लिपि नागरी है। नागरी जो हम लिखते हैं ना वो लिपि है, वो नागरी लिखते हैं, वो लिखावट है, वो उसकी लिपि कहते हैं, बोलते हैं हम भाषा कहते हैं। लिपि, लिपि मतलब लिखने का ढंग। लिखने का ढंग का मतलब क्या हुआ, जैसे एक लिपि ये मान लें देवनागरी, देवनागरी लिपि से हिंदी चलती है, संस्कृत चलती है, हिंदी चलती है, बंगाली चलती है, असमिया चलती है, गुजराती चलती है, मराठी चलती है, ये सब की सब देवनागरी में है। जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हैं उनकी लिपि अलग है साउथ की, बाकी ये देवनागरी लिपि से चलती हैं। लिपि का मतलब होता है
लिखने का ढंग। हम आज जिस लिपि में लिखते हैं वो नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि, और ये इनकी जो पुरानी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी से ये आती है। तो संस्कृत है, हिंदी है, जो पुस्तकें संस्कृत हिंदी इत्यादि में मिल रही हैं वो सब हम पढ़ पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी भी संस्कृति थी जो देवनागरी में नहीं थी और हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए हम उसके बारे में अजानकार हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। रोमन लिपि है, भाषा है रोमन लिपि। ये बहुत सारी चीजें अगर आप गूगल में जाएंगे और वहाँ ढूंढेंगे तो वहाँ से मिल जाएगी। कितना मिलेगा नहीं जानता हूँ, लेकिन काफ़ी जानकारी आपको गूगल में मिल जाएगी। उसमें आप बोलेंगे वो आपको सर्च करके बता देगा कुछ सभ्यता। आप वहाँ बोलेंगे हड़प्पा संस्कृति का समय क्या है, वो आपको दिखाएगा क्या समय है। हड़प्पा संस्कृति के मुख्य नगर कौन से थे वो बताएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेट पर अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप जानकारी कर सकते हैं। जो आज बताया गया है इसको आप लोग नोट कर लेंगे, और ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनको नोट कर लें। मुझे कॉपी दे प्रश्न लिखना शुरू करें। पहला प्रश्न, भारत के विषय में सबसे पहले किस विदेशी इतिहासकार ने लिखा है? भारत के विषय में सबसे पहले किस विदेशी इतिहासकार ने लिखा है? उसकी पुस्तक का नाम। दूसरा प्रश्न, सिकंदर भारत में कितने बरस रहा? तीसरा प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सुकरात के बारे में पांच पंक्तियां लिखें।
अगला प्रश्न, इतिहास क्या है? अगला प्रश्न, प्राचीन इतिहास का, प्राचीन इतिहास की अवधि क्या है? प्रश्न समझ में आ रहा है? प्राचीन इतिहास की अवधि क्या है? अवधि मतलब समय, 800 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक, यह अवधि है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखें। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति किस नदी के किनारे विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कितने प्रश्न हुए? 7 या 8? भारतीय इतिहास में हड़प्पा संस्कृति का महत्व। भारतीय इतिहास में हड़प्पा संस्कृति का महत्व, क्या महत्व है? जिस जमाने में बाकी जगह लोग जंगल में ट्राइबल तरीके से जीते थे, आदिवासियों जैसे जीते थे, उस जमाने में भारतवर्ष में एक संस्कृति थी, एक सभ्यता थी, जिसमें नगर पूरी तरीके से विकसित थे। विकसित संस्कृति और कहीं नहीं दिखती है। इन 9 प्रश्नों को एक कॉपी में लिख करके आएंगे और कल प्राचीन इतिहास वाले हिस्से में इसके आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है? कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो उसमें अभी पूछ सकते हैं।